यहाँ है तो कोई बात नहीं, तेरे अम्मी से लेगा बदला। इनने फोटो ले रहा है, देखो मैं तो माफी मांग रही हूं, मुझे माफ कर देना नागराज। हां भाई जो भी है मैं कुछ नहीं कह रही। जाके पहला दो चढ़ाई जाके आ गए हैं और मौसम देख सकते हैं कितना अच्छा हो चुका है। यहां पर आते ही बारिश तेज हो चुकी है, हवाएं चल रही है। अभी आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत हो रहा है। और ये क्या बना हुआ है अम्मी? सामने का नजारा। और यहाँ पे सब बातें कर रहे हैं बैठ कर। अब बच्चा है तो छोटा सा, बारिश ज्यादा हो रही है तो बारिश में तो और मजा आएगा। बारिश आ गई तो फिर कहाँ लिख लगे सड़के टूट जा, कुछ टूट जा, पहाड़ टूट जा, पहाड़ हमारे ऊपर टूटेंगे। आज दिल्ली से है, धरती सुनहरी हर मौसम रंगी से है मेरा, हो है मेरा। हाँ बोले पे बोले पपी हा खुशामदीद, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कैसे काफ़ी अच्छे हैं। शाम सब का स्वागत है, सो वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग सैमा की दुनिया। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं आपसे। तो नाश्ता पानी हमने खा लिया और रेडी में हो गई हूँ और व्लॉग का देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लोकेशन पर बना रही हूँ पीजे का बैकग्राउंड तक ग्रीनरी के पास। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे मामा निकाल रहे हैं अपनी कार, अभी हम कहीं जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं आपके थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और यहाँ पे ग्रीनरी देख सकते हैं आप, चेक कर सकते हैं यहाँ का व्यू। और ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये है पौधीने का पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर और फ्लावर्स लगे हैं अच्छे अच्छे। बात आगे तो मुझे किसी का नाम नहीं पता वैसे कौन कौन से लगा रखे हैं यहाँ पर। ये आई थिंक रोज़ का है। चलते हैं अभी अम्मी के पास घूमने की। आओ अम्मी यहीं बैठ जाओ, बैठो। आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत हो रहा है। और ये क्या बना हुआ है अभी? ये कॉलोनी काटी है। अच्छा यहाँ पर घर बनेंगे, ये कॉलोनियाँ कटी हुई है भैया। चारों तरफ आपको हरियाली मिलेगी। घर यहाँ पर एक एक मतलब दूर दूर घर बने सारे जितने ही बने हुए हैं। और यहाँ पे गन्ने के पेड़ लगे हुए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? गन्ने के पेड़ नहीं, सॉरी गन्ने के पेड़ बोल रही हूँ। क्या क्या बोल देती है? सामने मौसम देख सकते हैं, आंधी आना स्टार्ट हो गई है, कितनी तेज तेज हवाएं चल रही हैं बाहर। जा रहे हैं हम कार, गांव के घर इतने बड़े बड़े होते हैं ना, कार जो है अंदर ही पार्क होती है, बाहर खड़े करने की कोई जरूरत नहीं है। घर इतने बड़े बड़े होते हैं, सारी कारें अंदर खड़ी होती है। उठाना हवा चल रही है कितनी अच्छी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मौसम कितना छोड़ दे, बारिश पड़ रही है, हवा चल रही सामने। इधर बैठ जाएंगे, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आ गए हैं और मौसम देख सकते हैं कितना अच्छा हो चुका है। यहाँ पर आते ही बारिश तेज हो चुकी है, हवाएं चल रही है, तो हम बाहर ही बैठे अंदर हम गए सोचे व्यू के मजे लेते हैं, थोड़ा बाहर बैठ के गाँव के व्यू सामने का तो अच्छा लग रहा है, सामने का नज़ारा। और यहाँ पे सब बातें कर रहे हैं बैठ कर अपने बड़े बड़े, और आपके लोग हम यहाँ पे बैठ के अपनी बातें कर रहे हैं। फ्रेंड्स पिछले साल भी हम यहाँ पर आए थे, वही वाली लोकेशन है ये, तो दोबारा बता दो अम्मी। हाँ बहन का घर है मेरी, मामा की लड़की का, बहन का मेरी, ये बहन के माशाल्लाह से बच्चे हैं, एक वो घर बनाया, दिखाया नहीं तो पुराना वाला। हाँ पिछले वाला दिखाया था उस दिन घेर में, जब हम आए थे पहले ही वाला बन रहा था वो, ये नहीं वो बन रहा था, ये भी तो सही था, ये सही था, दूसरा वाला बन रहा था।
तो नाश्ता हमारा आ गया है, नाश्ता करते हैं। खाओ खाओ नाश्ता करते हैं। ये बहन के बच्चे हैं। बहुत सारे जानवर उन्होंने पाल रखे, ये है गाय भी है और तो क्या है भैंस भी है, और यहाँ पे बकरी के बच्चे आ गए छोटे छोटे से, ये रहे ये बकरी के बच्चे आ गए, और बत्तख आंगी बत्तख भी घूम रही है, रही ये रही बत्तख भी है और कबूतर भी है। मशीन है ये ऐसे करके करती क्या है। चल चला मैं तो चलो ना, मैं डर लग रहा है मेरे को तो। ये हाथ से चलती है उससे? मशीन से चलती है, मशीन वाली है, मोटर से है, मोटर से हाथ वाली बंद हो गई है। और कबूतर भी वो रहे उड़ रहे वहाँ पर, बत्तख ये रही। मतलब गाँव में इतने बड़े बड़े घर होते हैं ना, सब चीजें पाल लेते हैं आराम से खुला खुला। कहाँ बत्तख थोड़ी है, बगला बगला है वो। अरे वो सामने है ये। अच्छा बगला वो क्या होता है? बगल बत्तख नहीं है वो, मुझे क्या पता, पता इंग्लिश में क्या बोलते बताइयो। पापा तो बगला बोल रहे हैं, पापा बताओ फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, बगला बोलते क्या बोलते इसको। तब चलते हैं दूसरे वाले घर में। अस्सलाम वालेकुम, ब्लॉग बेडरूम आ गया एक, और वो किचन आ गई सामने, और एक रूम ये है। नल के नल जोड़े वही वाली कहावत जो होती है। बात क्यों कर रही, मैंने बात करनी की। सब तो नीचे बैठ के बातें शादी चल रही हैं सबकी, तो आफ्टरनून में आ गए थे छत पर, छत पे बारिश हो गई, बारिश हो गई अभी तो बहुत तेज बारिश होती है थोड़ी देर पहले, लेकिन अब थोड़ी हल्की हो गई है। सामने का व्यू देख सकते हैं कितना जबरदस्त व्यू हो रहा है ना सामने का, मतलब गाँव में जा रही हूँ जहाँ भी देख रहे ना हरियाली व्यू, इससे जबरदस्त व्यू है ना, यहाँ का भी बहुत ही अच्छा व्यू है। तब देख सकते हैं सामने का व्यू। हम अभी गए थे इधर के साइड, तो उसके बाद जस्ट बराबर में ये वाला घर है, और व्यू आप चेक कर सकते हैं। पर सब आ गए छत पर। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर आए थे फोटो वगैरह शूट करने, बहुत सारे आफ्टरनून मेरे इंस्टाग्राम के लिए, तो वो आपको मिल जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे सायमा की दुनिया 2001, बहुत अच्छी लोकेशन सामने की देख सकते हैं। और जहाँ पर हम आए हैं रिलेटिव के, वो हमारे रिलेटिव है, तो उनका फ्रेंड का देख सकते हैं आप, ये लुक है होम का। तो बहुत सारे फोटो वगैरह शूट कर लिए, चलते हैं अंदर की साइड। आ गए हैं हम छत पर, अभी हम आ गए थे खेतों में सांबरावर में वीडियो वगैरह बनाना आफ्टरनून में।
खेतों में गए थे। अच्छा बराबर में उधर वाले खेत थे ना, वहाँ पे गए थे हम रील्स वगैरह बनाने। मौसम अच्छा हो रहा है बाहर, क्या बादल है वो, सूरज टाइम कौन सा निकलेगा ये बताओ। आपने पास से नया सूरज निकलवा रही है, ये व्यू देखो तो अच्छा होता है। वीडियो में नहीं दिखाओ, ये पहाड़ है देखो जिस दिख रहे हैं, ये सामने जो पहाड़ है किस कौन सी लोकेशन है वो, ये कौन सी जगह, वो कोट द्वार पास करके लाना, वो पास करके ये रे पहाड़ है सामने की साइड आ गए। यहाँ यहाँ चलते हैं मम्मी, यहाँ लेके चलो पहाड़ों पे, पहाड़ों पे ठंड रहेगी वहाँ पर। क्या जानवर होते हैं, नहीं बारिश ज्यादा हो रही है, बारिश में तो और मजा आएगा। बारिश आ गई तो फिर कहाँ पे लगेगी, सड़के टूट जा, कुछ टूट जा, पहाड़ टूट जा, पहाड़ हमारे ऊपर ही टूटेंगे। आज दिल्ली जाए उनके पहाड़ तोड़ दो, ये लकड़ी सारी पानी में बह गई वहाँ से। कौन सी ये लकड़ी रखी है, बाढ़ आती है ना जब पानी, फ्रिज बहकर आई, सिलेंडर बहकर आते हैं बाढ़ में, बाढ़ वहाँ पे घर भी है क्या? हाँ, हाँ, घर पहाड़ों पे से बह के आ जाते हैं घर। अच्छा और वहाँ के तो वहाँ बाग तो चला रहे, अभी इन्होंने फ्रिज निकाल के लाए थे पानी में से। सही थी। बताओ ये लकड़ियाँ सही बता रही है मैं, वहाँ दूसरी साइड घर है ना, वहाँ पे बाढ़ वगैरह आ गई थी बारिश की वजह से, तो उनका सामान पानी में भेज भेज कर आ गई नदियों में। कहीं फ्रिज मिली है, लकड़ी मिली है, पहाड़ों पे जो घर वगैरह होते हैं वो घर टूट जाते हैं, उनका सामान भी आ जाता है, वो घर भी आ जाते हैं, इंसान भी आते हैं चलते हुए, हमारे लाश वगैरह भी आती है। बताओ ये लकड़ियाँ दिख रही है ना सामने आपको, जितनी भी लकड़ियाँ दिख रही है ये वहीं से आई है, पहाड़ों वगैरह से बहती हुई आई है, तो उन्होंने उठा लिया था उन्होंने, सारी लकड़ियाँ लकड़ियाँ हैं। और सामने की लोकेशन चेक कर सकते हो, छोड़े सामने की लोकेशन। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पर, भी कहाँ जा रहे हैं, अड्डे पे, किसके अड्डा, यहाँ पे बस जब उतरती है ना उसे अड्डा बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा मतलब कहाँ जा रहे हैं, मतलब घर, दूसरा घर है। हाँ। दूसरे घर पे जा रहे हैं, ये क्या खाला के, खालो ही ना हमारी। हाँ खाला है, दूसरे घर पे जा रहे हैं, पहले भी हम गए हुए पिछले एक साल पहले जब हम आए थे, एक साल हो गया ना आए हुए, तीन दफे तो आ गए, तो पहले जब गाँव आए थे उसके बाद एक साल, पिछले साल आए थे हम गाँव, वैसे हमारा चक्कर लगता रहता है हर साल गाँव का ना, एक दो चक्कर तो लग जाते हैं, वैसे एक ही लगता है, एक ही लगता है, दो तो नहीं लगते। तो अब एक साल बाद दोबारा आए हम गांव की गलियों में इस वाली। तो फ्रेंड्स ये है खाला के तीसरे बेटे का घर, जहाँ हम आके बैठे थे वो थे खाला के बड़े बेटे का घर, फिर दूसरी बार जब हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी वो थे खाला के दूसरे बेटे, और अब हमारा तीसरी बार नाश्ता हो रहा है खाला के तीसरे बेटे के घर, मतलब अलग अलग बेटों के घर जा रहे हैं तो अलग अलग नाश्ता करा रहे थे सभी हमें। तो ये है उनका घर तीसरे बेटे का। तो अब हम आए हैं फोर्थ लोकेशन पर, ये है मेरे बड़ी मम्मी की कज़न, यानी कि जो मेरी कज़न लगी उनके ससुराल आए हैं हम उनसे मिलने के लिए। तो ये है हमारी फोर्थ लोकेशन। गिरे खाना भी खाओगे, गजब बेइज्जती है। खाना तो 10 बजे कह रहा है, 7 बजे सोशल मीडिया पर डाल देगी तुम्हें, वायरल होना चाहिए हम छोटे वाले, इनके भाई बड़े भाई। तो ये है बड़े भाई और ये है छोटे भाई, पहले हम गए थे बड़े भाई के घर, पहले किसी घर गए थे, आज छोटे भाई के घर थे, फिर गए थे बड़े भाई के घर, खालू हमारे खालू लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अड्डा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बसें खड़ी होती, तो इसलिए यहाँ पर अड्डा बोलते हैं इसको। तो हमको लगा था पता नहीं कौन सा अड्डा है, लेकिन पता चला कि अड्डा वाला बस स्टेशन वाला अड्डा ही है। हाँ ये मेन रोड पे जो बैंक है सारे। अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम जा रहे हैं वापस वही जहाँ हमने पहले नाश्ता वगैरह करा था, फिर हम यहाँ पे मिलने आए थे। यहाँ पे सांप को मारा है, खून पड़ा है सांप का, ये रहा
तो सांप भी निकल रहे हैं। तो अभी मैं भी तो फोटो क्लिक करवा रहे थे आपने, और मैं जब सांप थोड़ी थे तो अंधेरा हो रहा है। फेंक दिया ये रहा। बच्चा है तो छोटा सा बच्चा ना है मार गया। ओ वीडियो बनाई गए लोने वो मर गया। सामिया का हाथ में दे दे। नहीं नहीं आ इधर आ इधर आ। वो कहां है ये रहा। तेरे उसमें रोशनी आ रही है। आ रही है। तो मैंने सांप की वीडियो बनाई थी अपने के लिए। सांप की वीडियो डिलीट कर दो, उसने ना तेरी फोटो ले ली, बदला लेना आएगा वो। तो मैंने थोड़ी मारा है। कोई बात नहीं, तेरे अम्मी से लेगा बदला। इन्हें फोटो ले भाई। देखो मैं तो माफी मांग रही हूं, माफ कर देना। मजा आया नागराज। हां जो भी है मैं कुछ नहीं कह रही। जाके पहला दो चढ़ाई जाके। अब क्या होगा कौन से क्या कितना साल पुराना सांप है वो? कौन से पीढ़ियों का पुराना आदमी का वासना का एकदम साइड दे गया। छोड़ के चल दे रहा। One hour later. ना हमने खा लिया है, अब यहाँ से कर रहे हैं एग्जिट। रात के 10:30 बजने वाले हैं। क्या कर रहे थे? पानी आ गया उस टाइम, पानी बहुत आ गया था। वो मजे ले रही थी पानी के। तो यहाँ हो रही है हमारी जाने की तैयारी, और टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं, और कितना अंधेरा हो गया यहाँ पे 11 बजे। सोफ्ता हो गया बाहर तो पूरा। ओ, अमी पीछे देखना, एक राउंड लगा कर ना पीछे का। कोई नहीं है ना, पागल है। मैं भी राउंड लगा कर पीछे का। तुम चल बैठ। आगे चल बैठ होगी करके सब। मामा की बातें खत्म हो रही है, अभी भी जाते जाते। तो निकल चुके हैं हम, और बाहर देख सकते हो कितना सॉफ्ट आ रहा है पूरे गलियों में। 11 बजे सॉफ्ट हो गए पूरे, कोई भी नहीं देखेगा। 11 बज रहे हैं। हाँ टाइम देख लो, 11 बज रहे हैं। यहाँ पे जल्दी सो जाते हैं ना सब लोग। तो चलिए चलते हैं, वहीं पर ही फ्रेश वगैरह होना है, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. गला खराब हो गया। तेज बोलना तो ये हमारे भाई बैठे हैं, तो जब लाइट चली गई तो छत पे गद्दे बिछा लिए, तो सब छत पे बैठे हैं। और ये इधर हमारे इनके पापा बैठे हैं साइम के, मच्छर काट रहे हैं। और ये पड़ी है यहाँ पर, पूरे गांव की लाइट चली गई है, तो बत्ती वाला है भाई लाइट सही कर लो। बैगन ले पकड़। तो फ्रेंड्स लाइट जा चुकी है और सब आ चुके हैं छत पे सोने के लिए, और मेरा सब सबके फ़ोन में मेरे ब्लॉग चल रहे हैं। यहाँ पर अम्मी देख रही हैं, और यहाँ पर मामा देख रहे हैं, और सारे बच्चे वगैरह सब छत पे आ गए। देखो बच्चे तो हो गए बच्चेदानी है पैक, और हमने लगा लिए अपने ओडोमॉक्स। ओडोमॉक्स लगाई है तो यहाँ पर मेरे सारे सब्सक्राइबर लेटे हुए, जितने भी हैं सारे सब्सक्राइबर हैं मेरे। ये ब्लॉग चल रहा है मेरे यहाँ पर। सो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेश वगैरह होके मैं आ गई हूँ। तो अभी हम गए थे रिलेटिव के, गए थे
तो थोड़ी थकान वगैरह भी हो गई, रात के 12:30 बज रहे हैं, तो खान शांत हमने वहीं पर ही खाई थी। तो अब सोने का टाइम हो गया, व्लॉग भी एडिटिंग करना, व्लॉग एडिट नहीं करा, तो अब मैं व्लॉग एड करूंगी फिर सोऊंगी। तो इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही, उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आएगा ब्लॉग, पसंद चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं करते हैं ब्लॉग तो देखकर सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यहाँ से, और कमेंट करके जरूर बताएगा ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं मेरे, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जल्दी करते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, लव यू।